ओम प्रणय भागवत। जैसे कि आप जानते ही एनडब्ल्यूएम ह्यूमंस की तो हीलिंग करता ही है, एनडब्ल्यूएम ह्यूमंस के ट्रीटमेंट में तो काम आता ही है, साथ ही साथ पेट्स की हीलिंग में, पेट्स के टेली हीलिंग में भी काम आता है। आपके पेट को चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके पेट की हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके पेट की फोटोग्राफ से ही शुरू कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने पेट्स की, अपने डॉग्स की कैसे केयर कर सकते हैं समर्स में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें समर्स में क्या अलग करना पड़ता है जो विंटर्स में, जिसकी कुछ खास जरूरत नहीं होती। सबसे पहला होता है वॉर्म्स, जो बैक्टीरिया होते हैं एयर में, पानी में, समर्स के वक्त बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें डीवॉर्मिंग अपने पेट्स की टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने किसी भी वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके डॉग के ब्रीड के हिसाब से, आपके डॉग के वेट के अकॉर्डिंग वो आपको कोई टैबलेट सजेस्ट करेंगे, जो आपको हर 3 मंथ्स में उसे देनी होगी, जिससे उसके बॉडी के अंदर, उसके पेट में कोई वॉर्म्स नहीं बनेंगे या होंगे तो वो निकल जाएंगे। ये प्रोसेस हर 3 महीने में आपको करनी होगी। अब इसके बाद आता है और क्या क्या इन्फेक्शन आपके डॉग को इस वक्त हो सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो होता है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास मेरे पेट डेजी के लिए ये सावा वेट का ये क्लीनर है, ये ईयर्स में डाल देते हैं, जिसके बाद वो ईयर ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। इसकी 5 ड्रॉप्स एक ईयर में डालनी होती है, 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है, फिर दूसरे कान में 5 मिनट डालनी, 5 बूंद डालनी होती है और 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है। वो ऑटोमेटिकली डॉग जब अपना सिर हिलाता है तो अपने आप वो मेडिसिन निकल जाती है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके पेट को ज्यादा इन्फेक्शन है तो। मैं मानता हूँ कि एक बार में ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपको इसको 3 दिन में 2 बार भी आप दे सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन जो इन्फेक्शन है वो आता है फर को लेके। आप उसके फर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात, फर में इन्फेक्शन कोई एक दिन में नहीं हो जाता, वो कई कई दिन तक, जब आप उस जो परेशानी डॉग को हो रही है वो जब बढ़ते 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 स्किन में दिखाई देती है। तो बहुत बेसिक चीज है आपके डॉग की डाइट, आपके डॉग की क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है नहीं। अगर आप घर का खाना अपने पेट को दे रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, ये मल्टीविटामिन है मेरे पास, ये सुप्राडाइन है, ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है, आप एक टैबलेट जब भी उसे खाना दे उसके साथ ऐड करके दे सकते हैं या अलग से भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप सुप्राडाइन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने डॉग की डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने डॉग को मिल्क बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि मिल्क से डॉग के अंदर जो पेट में वॉर्म्स हैं उनको वो कई गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। तो आप डॉग के लिए दूध को बिल्कुल अवॉइड करें। आप उसकी जगह पे कर्ड दही दे सकते हैं। अगर आप रॉयल कैनन या पेडिग्री या कोई और फूड अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कर्ड दही ये सब मट्ठा वट्ठा मिला के आप दे सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बजाय आप बस दूध ना दें। अगर इसके बावजूद भी आपके पेट को है या आपके पेट को फर में, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वीवाडिस का, मेरे पास विवा सिल्की है। कोई भी अगर आपके बॉडी, आपके पेट की बॉडी में कोई कट है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। मैं भी अपने पेट के ऊपर इसे पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ और कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको जब भी आपके डॉग को कोई भी इन्फेक्शन इस तरह का आपको दिखाई दे, इसको दिन में 2-3 बार स्प्रे करें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस एरिया पर है वहीं पर ही करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें, बस जहाँ पर है वहीं पर ही करें। अब एक और बात आती है टिक। जब आपके डॉग को टिक हो जाए उसमें आप क्या कर सकते हैं। टिक पहली बात तो आप होने ही ना दें। ना होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एंटी टिक शैम्पू से ही निलाएं। पूरे समर्स आप उसको एंटी टिक शैम्पू से निलाएं। मेरे पास ये बेयर का शैम्पू है, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है और बहुत ही आसानी से हर जगह पर अवेलेबल है। बेयर की सोप भी आती है, एंटीटिक सोप, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, या कोई भी अगर आप सोप इस्तेमाल करें मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप सोप से निलाते हैं तो बाल जो है अपने, हमारे पेट्स के, वो चिपक जाते हैं, जिस वजह से उनको गर्मी में और भी ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप इस शैम्पू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पेट को अभी टिक नहीं है तो आप बस एक बार लगाएं, 5 मिनट बाद उसे धो दें, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पेट को पहले से ही टिक्स हैं
आपने देख लिया कि टिक्स हैं, तो उसके उसमें आपको क्या करना है, आपको लगाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर आप उसे धो दें, फिर दोबारा एक बार और शैम्पू लगाएं, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ें और फिर आप धो दें। मतलब आपको ये प्रोसेस 2 बार करनी है। इससे होगा क्या, जो पहली बार में टिक्स रह जाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और आप जब आपने एक बार नहला दिया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ये ये पाउडर है, बेयर का ही ये पाउडर है, इसके अंदर मेडिसिन है जिससे जो टिक्स हैं वो अपने आप ही मर जाती हैं, मर के गिर जाती हैं। तो इसमें कई बार देखा गया है कि जब आप इस पाउडर को लगाते हैं तो जो टिक्स हैं वो बेहोश होती हैं, मरती नहीं है। तो आप इसको लगाने के 10 मिनट के बाद कॉम जरूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये टिक्स हैं और आप उनको टिक्स को घर से बाहर फेंक दें और दोबारा ये वॉश में आने के बाद आपके पेट को परेशान बिल्कुल ना करें। तो आप ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप अपने पेट के लिए समर्स में ले सकते हैं। और अगर आपके पेट को फर से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप ये हिमालय का फर ग्लो आता है, आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट है इसका और इसके अंदर कई और विटामिन भी हैं, तो आप इसे नेचुरल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आपके कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं पेट्स को लेकर या किसी और हेल्थ टॉपिक के बारे में, तो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।